क्लासेस वंस अगेन आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग रिप्रोडक्शन यूनिट कर रहे थे 12th क्लास का। ये वीडियो आपके नीट एग्जाम एज वेल एज फॉर बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन में ह्यूमन रिप्रोडक्शन फ्लावर का हमने पढ़ लिया था प्लांट्स में, और अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर रहे थे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया था जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हमने की थी, उसको समझाया गया था, वो आपका कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट लेसन, ये कंप्लीट चैप्टर आपका इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ये थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। ये लेक्चर मैं आज कोशिश करूँगी कि इसमें कंप्लीट हो जाए। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे बाकी लोगों को भी इससे मदद मिलती रहे। मुझे लगता है कि आप लोगों को लेसन समझ में आ रहे होंगे। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ह्यूमन। लोग आज शुरू करेंगे पहला टॉपिक, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आपके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है? ये होता है इसमें वन पेयर ऑफ ओवरी, वन पेयर ओविडक्ट, यूटरस, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये ओवरी, ये रीजन दैट इज नोन एज ओविडक्ट। तो एक ओवरी इधर है, एक ओवरी इधर है, ओविडक्ट इधर है, इसलिए वन पेयर ऑफ ओवरी है और वन पेयर ऑफ ओविडक्ट है। यूटरस रीजन, जो ये ऑरेंज पोर्शन आपका दिखाई दे रहा है, दैट इज यूटरस रीजन। यूटरस के नीचे वाला पार्ट दैट इज नोन एज सर्विक्स। एक्सटर्नल ओपनिंग जो खुलती है दैट इज नोन एज वजाइना। वजाइना के सराउंडिंग्स में जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओवरी लोकेटेड कहाँ होती है? ओवरी लोअर एब्डोमिनल पार्ट में लोकेटेड होती है। लेंथ ऑफ द ओवरी 2 to 4 सेंटीमीटर। ओवरी, यहाँ पे ओवरी देखिए, ये अटैच्ड है, ये ओवरी है, ये अटैच्ड है वॉल से और यूटरस से भी अटैच्ड है। ये जो पोर्शन है जिससे ये अटैच्ड है, इसे हम क्या कहते हैं, वो क्या है? लिगामेंट। ये लिगामेंट्स के थ्रू अटैच्ड होती है पेल्विक वॉल से, ठीक है, पेल्विक की वॉल से और यूटरस से ये अटैच्ड होती है थ्रू लिगामेंट। ओविडक्ट, ओविडक्ट ये पोर्शन जो है, ये पूरा ओविडक्ट है, ठीक है। ओविडक्ट ये एक्सटेंड होती है यहाँ से ओवरी से लेकर के ये पीछे यूटरस तक, ओवरी से लेकर के पीछे यूटरस तक एक्सटेंड होती है। जो पार्ट फेलोपियन ट्यूब का, ओविडक्ट क्या है, ये फेलोपियन ट्यूब भी से कहते हैं, जो पार्ट ओवरी के करीब होता है उसे हम क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम। ये पार्ट है इनफंडिबुलम, ठीक है। इनफंडिबुलम में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे क्या कहा जाता है, फिम्ब्री। इन फिम्ब्रीज का काम होता है कि ओवरी जो ओवम रिलीज करेगी वो इससे अटैच हो जाएंगे, जो ओवम को ग्रास्प करने में मदद करेगी। अब ये इनफंडिबुलम आगे लीड करता है एम्पुला में, उसके बाद एम्पुला रीजन पहुंचता है इस्थमस। एम्पुला के बाद वाला रीजन क्या है, ये इस्थमस रीजन है। ये इस्थमस रीजन फिर ये जॉइन होती है यूटरस से। इनफंडिबुलम लीड्स टू एम्पुला, एम्पुला देन इस्थमस एंड देन जॉइंस टू, दैट इज नॉट ओवरी, दैट इज यूटरस, ठीक है। ये आगे जाकर जुड़ेगा यूटरस से। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाते हैं पीपीटी बनाने में, तो मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ जब मैं आगे लेक्चर देती हूँ, तो ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसके अलावा यूटरस का नीचे का पार्ट दैट इज सर्विक्स। यूटरस के पार्ट्स में देखें तो यूटरस की वॉल जो सब बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, सॉरी बाहर वाली लेयर को कहते हैं पेरीमेट्रियम। बीच वाली लेयर जो मोटी होती है दैट इज मायोमेट्रियम, और अंदर की लेयर ये वाली दैट इज एंडोमेट्रियम, ठीक है। बाहर वाली पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम।
एंडोमेट्रियम की ही शेडिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और मायोमेट्रियल में ही कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. ओके, दिस मच आई थिंक यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड. यूट्रस सिंगल है भी बताया आपको, जिसे हम वॉम्ब भी कहते हैं. यूट्रस का शेप आपने देखा ऐसा होता है, इसलिए इसको इन्वर्टेड पियर शेप भी कहते हैं. यूट्रस में थ्री लेयर्स हैं, बाहर वाली पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, और अंदर की लेयर दैट इज एंडोमेट्रियम. तो ये एंडोमेट्रियम ये लाइन करती है यूट्राइन कैविटी. यूट्राइन कैविटी ये है अगर, तो एंडोमेट्रियम लाइन कर रही है यूट्राइन कैविटी को. एंड्रोमेट्रियम में ही साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मायोमेट्रियम में ही कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी. नेक्स्ट पार्ट दैट आर एक्सटर्नल जेनिटीलिया. एक्सटर्नल जेनिटीलिया दे हैव सम पार्ट्स, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस. मॉन्स प्यूबिस दैट इज कुशन ऑफ फैटी टिश्यू विच इज कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स आर प्रेजेंट. द फैटी टिश्यू पोर्शन विच इज कवर्ड विद स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स, दैट पोर्शन इज नोन एज मॉन्स प्यूबिस. नेक्स्ट पार्ट दैट इज लेबिया मेजोरा. लेबिया मेजोरा फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस the folds that extend down they are known as labia majora. labia minora these are also the folds which are under the labia majora, the fold of the tissue which are under the labia majora, that is labia minora. clitoris that is tiny finger like structure which is just above the two labia minora. labia minora के ऊपर tiny figure like structure, उसको क्या कहते हैं? clitoris. opening of vagina that is partially covered by a membrane. this membrane is known as hymen. okay, this vagina is covered by a membrane that is known as hymen. and this hymen is torn during the first coitus or the first intercourse. this hymen is broken, but sometimes it could be broken also due to active participation in some sports like cycling or horse riding. that time also the hymen could be broken, so it is not very sure that only this happens during the first coitus. male external genitalia, this part already I have discussed. Mammary gland that is one pair which contains glandular tissue and fat. glandular tissue, gland like tissues are there, and these are the tissues and the fats. These are the tissues and that orange portion, pink portion, that are the fats. This glandular tissue is further divided into mammary lobes. These are mammary lobes. Mammary lobes that contains alveoli like structures, cluster of alveoli. This mammary lobes that opens into mammary tubule. These are mammary tubules. Mammary tubules that joins into duct, that is mammary duct. Mammary duct opens into ampulla region. Ampulla region then opens through the lactiferous duct. Okay, this is the structure of mammary. Gametogenesis मतलब क्या होता है? Formation of gametes में male gamete का formation और female gamete का formation. Male gamete के formation sperm formation को कहते हैं spermatogenesis, और female gamete के formation को कहते हैं oogenesis. पहले देखते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस ये स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ प्यूबरिटी. ओके, बिकॉज इस टाइम सिक्रीशन ऑफ जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन
ये सिक्रीशन बढ़ जाता है. ये कहाँ से सिक्रीट होता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन दैट इज सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस. ओके, स्पर्म में ये स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था. स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था कि इसमें जो सेल्स होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में टू टाइप की सेल्स होती हैं, स्पर्मेटोगोनियम सेल्स और सर्टोली सेल्स. स्पर्मेटोगोनियम, कुछ स्पर्मेटोगोनियम जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में. ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोटिक डिवीजन होगा तो ये बनाएंगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. सेकेंडरी स्पर्मेटो, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगी. ठीक है, एक प्राइमरी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में दो सेल्स बनेंगी, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगी. फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये इनमें सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होगा जिससे कि क्या बनेंगे, स्पर्मैटिड्स. स्पर्मैटिड्स में चेंजेस होंगे जिससे बनेगा स्पर्मेटोजोआ. तो ये स्पर्मैटिड्स से स्पर्मेटोजोआ में चेंज होना ही कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस. क्या कहते हैं इसको, स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मैटिड से स्पर्मेटोजोआ में चेंज होना दैट इज नोन एज स्पर्मियो जेनेसिस. स्पर्मियोजेनेसिस के बाद ये जो स्पर्म्स बन गए, इसके बाद ये स्पर्म्स के हेड जो होते हैं वो एम्बेडेड हो जाते हैं सर्टोली सेल्स में. सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं. तो ये स्पर्मेटोजोआ जो फॉर्म हो गए, स्पर्मेटोजोआ मतलब मेच्योर स्पर्म जो फॉर्म हो गए, ये एम्बेडेड हो जाएंगे इन द सर्टोली सेल्स. ठीक है, और ये फुल्ली मेच्योर हो जाएंगे और उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये रिलीज कर दिए जाएंगे, जहाँ से ये फर्दर आगे पासेज के थ्रू बाहर आएंगे, सेरिटेटस एपिडिडिमस के थ्रू ये बाहर आएंगे. तो ये रिलीज फ्रॉम दिस रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसी को क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन. ठीक है, सर्टोली एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसी को क्या कहा जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होने को क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन. ठीक है, इसमें पाथवे में देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पर्मेटोगोनियम आपका ये है. ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम ये प्यूबरिटी एज में किसका रिलीज बढ़ेगा, जी एन आर एच का रिलीज बढ़ेगा फ्रॉम हाइपोथैलेमस. ठीक है, हाइपोथैलेमस में जी एन आर एच का रिलीज बढ़ेगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड एफ एस एच और एल एच हार्मोन रिलीज करेंगे. अब इसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होगी. कुछ स्पर्मेटोगोनिया सेल्स ये ग्रो कर जाएंगे और बनाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा जिससे बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. तो फर्स्ट हैप्लॉइड सेल जो होती है वो क्या होती है, सेकेंडरी स्पर्म. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट हैप्लॉइड सेल ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस जो बनती है दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. ठीक है, ये फर्स्ट हैप्लॉइड सेल बन गई. अब इसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा जिससे कि क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स बनेंगे स्पर्मेटिड्स. ये स्पर्मेटिड्स ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ में. ये हो जाएंगे चेंज स्पर्मेटोजोआ में. यही चेंज जो है दैट इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस. इस चेंज को क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस. अब ये बन गए, अब इसके बाद ये सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड हो जाएंगे, वहां से न्यूट्रिशन लेंगे, फुल्ली मेच्योर हो जाएंगे और उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में रिलीज कर दिए जाएंगे, जिसी को क्या कहेंगे, स्पर्मिएशन. ओके, नेक्स्ट गैमेटोजेनेसिस जो फीमेल्स में होती है दैट इज ऊजेनेसिस. ऊजेनेसिस में ऊगोनियम
दोनों में अंतर ये है गैमेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस में कि स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस में कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी स्टेज में स्टार्ट होता है और ऊजेनेसिस इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में वॉम्ब में ही इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में ही ऊजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब ये ऊगोनियम प्रेजेंट होता है उसमें ओवरी के अंदर ऊगोनियम प्रेजेंट होता है, ऊगोनियम जो जितने इम्ब्रियो में रहते हैं ऊगोनियम उतने ही इम्ब्रियो चाइल्ड बर्थ के बाद भी रहते हैं, उससे ज्यादा ऊगोनियम चाइल्ड बर्थ के बाद फॉर्म नहीं होते हैं। ये ऊगोनियम इनलार्ज होता है और बनाता है प्राइमरी ऊसाइट एट द टाइम ऑफ बर्थ। दिस ऊगोनियम दैट चेंजेस इनटू प्राइमरी ऊसाइट। प्राइमरी ऊसाइट में के स्टेज में ये रहते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी व्हेन द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी द टाइम ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी दिस प्राइमरी ऊसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा और ये बनाएंगे सेकेंडरी ऊसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडीज जो होती हैं इसका यूज ऐसा कोई इसका फंक्शन नहीं है, ये एक जस्ट दे सर्व एज अ डंपिंग ग्राउंड फॉर एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। जब यहाँ पे मियोसिस हो रही है जो एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम है, क्योंकि इसको तो एक ही चाहिए ना, हैप्लॉयड हो गया यहाँ पे सेकेंडरी ऊसाइट। यहाँ पे भी हम ये बात कह सकते हैं कि फर्स्ट हैप्लॉयड सेल जो बनती है ऊजेनेसिस में वो कौन सी होती है, सेकेंडरी ऊसाइट होती है। तो ये जो दूसरा वाला बचा ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, इसके लिए डंपिंग सेल हो गई पोलर बॉडी। ठीक है, और इसका कोई प्रॉपर फंक्शन अभी नोन नहीं है। तो प्यूबर्टी स्टेज में ये सेकेंडरी ऊसाइट स्टेज बना लिया। अब ये स्टेज जो है ये मेंटेन रहती है, इस पे ओव्यूलेशन के टाइम में जब ओवम रिलीज होता है ओवरी से, उस टाइम में एग जो होता है वो सेकेंडरी ऊसाइट स्टेज में ही होता है, और जब स्पर्म एंटर करता है और जब ये अटैच होता है एग से, उस टाइम ये सेकेंडरी ऊसाइट स्टेज में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है और वो ओवन में चेंज होती है और सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो ओवम होता है वो किस स्टेज में होता है, प्राइमरी ऊसाइट स्टेज में होता है। उसके बाद प्यूबर्टी के टाइम में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है और ये सेकेंडरी ऊसाइट बनाएगा और फर्स्ट पोलर बॉडी बनाएगी। ये अरेस्टेड टेम्पररली अरेस्टेड स्टेज होती है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के टाइम में ही इसमें सेकेंड मियोटिक बिफोर फर्टिलाइजेशन इसमें सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होगा, तो ये ओवम और सेकेंड पोलर सेल बनाती है। ऊगोनिया जो बनते हैं वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ ऊगोनिया फॉर्म होते हैं बिफोर इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जितने ऊगोनिया बन जाते हैं उसके बाद बर्थ के बाद ऊगोनियम की संख्या नहीं बढ़ती। आफ्टर बर्थ सेल डिवीजन स्टार्ट होता है और अभी बताया फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा जिससे कि क्या बनेंगे, प्राइमरी ऊसाइट बनेंगे, ऊगोनियम से प्राइमरी ऊसाइट बनेंगे और ये टेम्पररली अरेस्टेड स्टेज होगी। प्राइमरी ऊसाइट ये सराउंड हो जाते हैं ब्राय ग्रैन्यूलोसा सेल्स। ठीक है, और इसको कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। जैसे यहाँ पे देखिए ये है प्राइमरी ऊसाइट, प्राइमरी ऊसाइट चारों ओर से फॉलिकुलर सेल से घिर जाती है जिसको कहते हैं, ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उनको हम कहते हैं ग्रैन्यूलोसा सेल्स, ग्रैन्यूल, और इस स्टेज को क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल स्टेज। प्राइमरी फॉलिकल स्टेज ये डीजेनरेट होती है ड्यूरिंग द फेज बिटवीन बर्थ टू प्यूबर्टी। बर्थ से प्यूबर्टी तक बहुत सारे जो ये प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ये डीजेनरेट हो जाते हैं और 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ये रह जाते हैं ईच ओवरीज में। प्राइमरी फॉलिकल्स, ये प्राइमरी फॉलिकल है तो 60 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ये रह जाते हैं ईच ओवरी में।
बिफोर प्यूबरिटी। अब ये प्राइमरी फॉलिकल ये सराउंड हो जाती हैं और ज़्यादा ग्रैन्यूलोसा सेल्स से, और ये बनाती हैं सेकेंडरी फॉलिकल। इसको हम कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में कुछ चेंजेस होते हैं जिसके बाद इसमें एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे क्या कहते हैं, एंट्रम। ठीक है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी का फॉर्मेशन होता है जिसे कहते हैं एंट्रम, और ये स्टेज कहलाती है टर्शियरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल से बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से बनेगा टर्शियरी फॉलिकल। अब इसके बाद इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है और ये बनाता है सेकेंडरी ऊसाइट। इसके अंदर ये जो ओवम होता है ये स्टेज में आता है सेकेंडरी ऊसाइट स्टेज में आ जाता है, और इस फॉलिकल को कहते हैं हम ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, इसे क्या कहता है, ग्राफियन फॉलिकल। सेकेंडरी ऊसाइट स्टेज में जो ये ओवम है सेकेंडरी ऊसाइट में, इसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। सेकेंडरी ऊसाइट के चारों एक मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। इस ग्राफियन फॉलिकल स्टेज में ही ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मीन्स रिलीज ऑफ ओवम। रिलीज ऑफ ओवम ये ग्राफियन फॉलिकल स्टेज में ही होता है। तो इसमें क्या हुआ, प्राइमरी ऊसाइट स्टेज जो थी, प्राइमरी ऊसाइट स्टेज ये सराउंड हो जाएंगी ग्रैन्यूलोसा सेल से और ये बनाएंगी प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल्स में चेंज होंगी और ज़्यादा इसमें ग्रैन्यूलोसा सेल्स किनारे इकट्ठी हो जाएंगे और ये बनाएंगी सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल्स टर्शियरी फॉलिकल्स में चेंज होती हैं। इस स्टेज में एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है जिसे कहते हैं एंट्रम। फ्लूइड फिल्ड कैविटी का फॉर्मेशन जिसे कहते हैं एंट्रम, इसे कहेंगे टर्शियरी फॉलिकल। इसके बाद इस ओवम में डिविजन होगा और ये बनाएंगी सेकेंडरी ऊसाइट। सेकेंडरी ऊसाइट चारों ओर से एक मेम्ब्रेन बनाती है जिसे कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, और ये स्टेज कहलाती है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के डिग्रेड होने पे ही ओव्यूलेशन होता है और ओवम रिलीज होती है। रिलीज ऑफ ओवम एट द स्टेज ऑफ सेकेंडरी ऊसाइट, दैट इज नोन एज ओवम। अब ओव्यूलेशन के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल रह जाती है उसको कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, दिस ग्राफियन फॉलिकल देन चेंजेस इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, दैट इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स। फीमेल प्राइमेट्स में क्या आ जाएंगे, मंकीज, एप्स, ह्यूमन बींग्स, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ये बिगिंस एट द एज ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, दैट इज प्यूबरिटी, एंड दैट इज कॉल्ड एज मेनार्के। एवरेज इंटरवल बिटवीन टू मेंस्ट्रुअल फेजेस, दैट इज अबाउट 28 टू 29 डेज। Events starting from one menstrual to the next menstrual, that is known as menstrual cycle. इसमें तीन phases हैं, तीन phases में इसको divide कर सकते हैं। First is bleeding phase और menstruation phase. Second, that is about 3 to 5 days. Second is proliferative phase, pre-ovulatory or follicular phase, और इसको कहते हैं oestrogenic phase. फॉलिकुलर फेज, फॉलिकल्स का इसमें फॉर्मेशन होता है। ओइस्ट्रोजेनिक फेज क्योंकि इसमें ओइस्ट्रोजेन हार्मोन रिलीज होता है, इसलिए इसे इस नाम से भी जाना जाता है। एंड दिस फेज स्टार्ट्स फ्रॉम द एंड ऑफ ब्लीडिंग फेज टिल द 14th डे, दैट द 14th डे ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस, द ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। टिल दिस स्टेट this phase is known as pre-ovulatory phase or follicular phase. After this phase, from the 15th day, the phase is known as progesteronic phase because at this stage the hormone that is released, that is progesterone, or that is also known as luteal phase, post-ovulatory phase because this phase is after ovulation, so it is known as post-ovulatory phase,
और सेक्रेटरी फेस। दैट इज नोन एज ब्लीडिंग फेज और मेंस्ट्रुएशन फेज। दिस फेज इज अबाउट 3 to 5 days लॉन्ग। द लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, जो अंदर की लेयर होती है, एंडोमेट्रियम किसका पार्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ यूट्रस। यूट्रस इज 3 parts, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। द इनर लेयर इज, दैट इज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है अंदर की, दैट इज डेसीडुआ, दैट इज शेड ऑफ ड्यूरिंग दिस फेज। एंड दिस मेंस्ट्रुएशन दैट ओनली अकर्स अगर जो ओवम रिलीज हुआ है ओव्यूलेशन फेज में, अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉलो होती है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, सो इट कुड बी द इंडिकेटिव ऑफ pregnancy. अगर menstrual cycle, that is absent, it is not going, that means it could be the indication of pregnancy. But it could also be caused by some causes like stress, poor health also. This could be the also the cause of irregular menstrual phase. Follicular phase or oestrogenic phase or proliferative phase. This phase is followed by the menstrual phase or bleeding phase. इस phase में क्या होता है, GnRH release होता है। GnRH gonadotropic release hormone। ये release कहाँ से होता है, from the hypothalamus। Hypothalamus इसका part है। Hypothalamus आपके forebrain का part है, ठीक है। Forebrain में 3 parts होते हैं, cerebrum होता है, thalamus होता है और hypothalamus होता है। तो hypothalamus पार्ट से ये हार्मोन रिलीज होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को टू रिलीज द हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुआ, ये ओवरी में ये स्टिमुलेट करेगा फॉलिकल्स को टू रिलीज द हार्मोन ओइस्ट्रोजेन, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस रिलीज किया GnRH, उसके बाद ये एक्टिवेट किया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुआ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्टिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा ओवरीज में फॉलिकल्स को टू रिलीज ओइस्ट्रोजेन। एंड दिस ओइस्ट्रोजेन, ये ओइस्ट्रोजेन क्या करता है, जो ब्लीडिंग साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो एंड्रोमेट्रियम का लॉस हुआ है उसको वो रीजेनरेट करता है। तो एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग का प्रोलिफरेशन होता है और रीजेनरेशन होता है। और ये जो ऑस्ट्रोजेन है, जो ये रिलीज हो रहा है, ये फीडबैक कंट्रोल भी करता है, पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल टू हाइपोथैलेमस। पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल का मतलब क्या होगा, जब ऑस्ट्रोजेन रिलीज होगा तो ये फिर एक्टिवेट करेगा हाइपोथैलेमस को टू रिलीज मोर गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन, ठीक है। जिससे ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन से फिर फॉलिकल्स भी एक्टिवेट होंगे। तो ये दिस टाइप ऑफ कंट्रोल, दैट इज नोन एज पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल। This rise in FSH, जो follicle stimulating hormone जो बढ़ रहा है, इसके वजह से ovarian follicle का development होता है और वो change होती है graafian follicle में। And this graafian follicle, when it is enlarged, they further release oestrogen, ठीक है। तो oestrogen का use दो हो गया, एक हुआ ये activate कर रहा है hypothalamus को, और दूसरा दिस ओएस्ट्रोजन दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल विच फॉर्म्स द ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। ग्रेफियन फॉलिकल में ही क्या बनेगा, सेकेंडरी ओसाइट बनेगा। ओएस्ट्रोजन लेवल ये फेज मैंने बताया था कि ये 5th day से अराउंड 3rd to 5th day आफ्टर मेंस्ट्रुअल फेज, 3 to 5 days के बाद ये 14th day, till 14th day, that is follicular phase। तो इसमें
आफ्टर दिस फिफ्थ डे टिल टेंथ डे, टिल टेंथ डे देयर इज अ राइज इन ओस्ट्रोजन लेवल. तो ओस्ट्रोजन लेवल राइज होने से ये हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर रहा है और फॉलिकल्स को एक्टिवेट कर रहा है. टिल दिस विल हैपन टिल टेंथ डे. लेकिन जब एक्सट्रीम लेवल ऑफ ओस्ट्रोजन रिलीज हो जाता है दैट कॉजेज अ नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट ऑल्सो. ये नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट क्या करेगा, ये हाइपोथैलेमस को स्टॉप करेगा गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन के लिए, और जिसकी वजह से FSH का सिक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड से कम हो जाएगा और अब इस टाइम पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड में बढ़ जाता है. इसका सिक्रेशन LH का सिक्रेशन बढ़ जाता है और FSH का सिक्रेशन कम हो जाता है. ठीक है, हम बात कर रहे हैं 10th डे के बाद की, मतलब 11th टू 13th डे की बात कर रहे हैं अभी हम. तो इस टाइम पर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट करते हैं. तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाता है, इसी को कहा जाता है LH सर्ज. अब ये LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, ल्यूटिनाइजिंग FSH ने क्या किया था, ग्राफियन फॉलिकल बनाने में मदद की थी, और LH क्या करेगा, ये ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करेगा जिससे कि सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होंगे एंड दिस इज नोन एज ओव्यूलेशन एंड दिस टेक्स प्लेस एट द 14th डे. ठीक है, तो ये हो गया आपका ओव्यूलेशन फेज. और सिक्रेटरी फेज आफ्टर ओव्यूलेशन रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल ये चेंज हो जाती है कॉर्पस ल्यूटियम में. ग्राफियन फॉलिकल ओव्यूलेशन के बाद चेंज हो जाती है कॉर्पस ल्यूटियम में. दिस कॉर्पस ल्यूटियम ये दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली मैमल्स विच कंटेन अ येलो ल्यूटिन और कैरोटीन पिगमेंट कॉर्पस ल्यूटियम. इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी दिस कॉर्पस ल्यूटियम दिस डीजेनरेट्स एंड आफ्टर 14th डे ऑफ फॉर्मेशन दिस कॉर्पस ल्यूटियम ये डीजेनरेट हो जाती है और कॉर्पस ल्यूटियम चेंज हो जाती है कॉर्पस एल्बिकेंस में. ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल इज चेंजेस इन चेंज इन टू कॉर्पस ल्यूटियम and in the absence of fertilization this corpus luteum that changes into corpus albicans which is white in color and corpus luteum that is yellow in color due to the presence of yellow lutein. corpus luteum ye secrete karti hai hormone progesterone. follicles kaun sa hormone secrete kar rahi thi, wo secrete kar rahi thi oestrogen. corpus luteum kya secrete karengi, progesterone. This progesterone hormone that facilitate the preparation of endometrium for receiving the embryo. ठीक है, the endometrium lining को ये strong करती हैं for receiving the embryo and for the implantation of the embryo. ठीक है, तो ये हो गया post. corpus luteum जो बन रहे हैं after ovulation the graafian follicle which is changing into corpus luteum yellow in color. दिस कॉर्पस ल्यूटियम इसके क्या क्या फंक्शंस हैं. कॉर्पस ल्यूटियम जो हार्मोन सिक्रीट कर रही है वो है प्रोजेस्ट्रॉन. प्रोजेस्ट्रॉन दिस फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ एंड्रोमेट्रियम फॉर रिसीविंग द एम्ब्रियो. प्रोजेस्ट्रॉन का क्या काम है, प्रोजेस्ट्रॉन दैट इनहिबिट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस. वाई इट इनहिबिट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस, सो दैट द प्रेगनेंसी कुड बी मेंटेन. सो दिस इनहिबिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस that is due to the hormone progesterone. So it is also known as pregnancy hormone. This question has been asked several times, which hormone is known as pregnancy hormone, that is progesterone. Progesterone that also inhibit the development of next new ovarian follicle aur dusre ovarian follicle ko ye secondary oocyte mein change nahi hone deta hai. If this pregnancy persists, then corpus luteum persists
एंड दे सिक्रीट मोर अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन. ओके एट बाय द फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है कम्प्लीटली और प्लेसेंटा ये भी स्टार्ट करने लगता है, ये हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन को रिलीज करने लगता है. ठीक है, तो प्लेसेंटा एट कब डेवलप होता है, एट द फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी दिस प्लेसेंटा इज डेवलप विच ऑल्सो स्टार्ट सिक्रीटिंग प्रोजेस्ट्रॉन. ओवरी दैट सिक्रीट सम अमाउंट ऑफ अनदर हार्मोन दैट इज रिलैक्सिन that is released at the time of childbirth. This process is known as parturition. Okay. If pregnancy doesn't occur after ovulation, then the progesterone level rise and this rise in progesterone ये inhibit कर देती है GnRH को. ठीक है, GnRH जो release हो रहा है hypothalamus से इसको इनहिबिट कर देती है. जब ये जी एन आर एच इनहिबिट हो जाएगा अगर ओव्यूलेशन के बाद इफ फर्टिलाइजेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस देन प्रोजेस्ट्रॉन लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. प्रोजेस्ट्रॉन लेवल जब बढ़ जाएगा तो ये इनहिबिट कर देगा जी एन आर एच को, जी एन आर एच के रिलीज को फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. जब जी एन आर एच का रिलीज कम हो जाएगा तो एफ एस एच और एल एच का सिक्रीशन भी कम हो जाएगा फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड और प्रोजेस्ट्रॉन जो रिलीज हो रहा था कॉर्पस ल्यूट्रियम से इसके भी इसका भी सिक्रीशन कम हो जाएगा. ठीक है, और ये कॉर्पस ल्यूट्रियम से प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस पे हो रहा था, बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जब सिक्रीशन कम हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम का सिक्रीशन जो प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज कर रहा है इसका सिक्रीशन भी कम हो जाएगा. जब ये प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम ये चेंज हो जाता है किसमें, कॉर्पस एल्बिकेंस में, और ये प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट नहीं करते हैं जिसकी वजह से इन द लैक ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंडोमेट्रियम, क्योंकि ये प्रोजेस्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे मेंटेन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग. सो इन द एब्सेंस ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंडोमेट्रियम बिगिंस टू ब्रेक एंड यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स बिकॉज दिस प्रोजेस्ट्रॉन दैट इनहिबिट्स द यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो. सो इफ एंड्रो प्रोजेस्ट्रॉन लेवल इज लो दिस एंडोमेट्रियम बिगिंस टू ब्रेक एंड यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो स्टार्ट्स विच स्टार्ट्स द ब्लीडिंग. Okay, this is the complete menstrual cycle. The total loss of blood per day is about 20 ml. So the total loss in one cycle, if which is about 4 to 5 days, that would be about 80 to 100 ml of blood. The period between the ovulation and next menstrual bleeding is 14 days. क्योंकि 14th डे पे ओव्यूलेशन हो रहा है तो 14th डे से नेक्स्ट साइकिल बिगिन होने में कितना दिन हो गया, 14 डेज हो गया. आफ्टर ओव्यूलेशन ओवम दैट इज वायबल ओनली फॉर 2 डेज बट द स्पर्म विच इज इंट्रोड्यूस्ड दैट कैन सर्वाइव एट द मैक्सिमम ऑफ 4 डेज. सो इफ ड्यूरिंग दिस फेज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस देन it causes pregnancy, otherwise not. So the safe period for the family planning, that could be day 1 to day 8 or day 20 to day 28. In human beings, menstrual cycle that stops around 50 years of age, and this is known as menopause. Okay. Here में दिखाया गया है कि कब किस हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, और कब का कम हो रहा है. शुरू के ये फेजेस 1 to 5 डेज मेंस्ट्रुअल फेज, देन फॉलिकुलर फेज. फॉलिकुलर फेज में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन लेवल इज राइजिंग, देन ल्यूटियल फेज एंड देन द नेक्स्ट साइकिल बिगिंस. फर्स्ट
फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन द सीमेन इज रिलीज बाय द पेनिस दैट इज इंसर्टेड इन द वेजाइना। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंसेमिनेशन। स्पर्म देन पासिस थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स टू यूटरस, देन इट रीचेस थ्रू द एस्थमस रीजन, एस्थमस एंड एम्पुला जंक्शन रीजन। ठीक है, ये पार्ट सभी पढ़े हैं ओविडक्ट में, जो पार्ट होता है एस्थमस और एम्पुला का जो जंक्शन होता है वहाँ पे स्पर्म पहुँचता है। ओवम विच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग ओव्यूलेशन प्रोसेस, ओवम जो रिलीज हो रहा है विच इज एट विच स्टेट, वो सेकेंडरी ओसाइट स्टेज में है, वो भी इसी जगह पे पहुँचेगा एस्थमस एंड एम्पुला जंक्शन। देन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन अकर्स। So fertilization only takes place when both of them, ovum and sperms, they are transported simultaneously to this position. Which position? Isthmus and ampulla junction. Because fertilization takes place at this point. So this is the reason why not all copulations leads to fertilization and further pregnancy. The process of fusion of sperm with the ovum, that is known as फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन किस कहाँ पे हो रहा है, दैट इज एट दिस रीजन एस्थमस एम्पुला जंक्शन। व्हेन द स्पर्म ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कम्स इन कॉन्टैक्ट में, क्योंकि जो सेकेंडरी ओसाइट है वो चारों ओर से एक मेम्ब्रेन से घिरी हुई है, दैट इज नोन एज जोना पेल्यूसिडाले। ठीक है, तो जब ये स्पर्म इसके कॉन्टैक्ट में आता है तो जोना पेल्यूसिडा लेयर दैट कॉजेज दिस इंड्यूसेस द चेंज इन द मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन में चेंज होता है और इसकी वजह से और एडिशनल स्पर्म्स इस पर नहीं आ पाते। जो फर्स्ट स्पर्म आता है वही रहता है, इसके बाद इस मेम्ब्रेन में चेंज होता है जिसके वजह से दूसरे स्पर्म्स यहाँ पर पे नहीं आ पाते हैं। स्पर्म हेड में जो आगे का पोर्शन होता है जिसे कहते हैं एक्रोसोम, ये पढ़ाया गया था लास्ट लेक्चर में, एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, और ये एंजाइम्स मदद करते हैं स्पर्म की एंट्री के लिए। जब ये स्पर्म एंटर कर जाता है ओवम में, अभी ये किस स्टेज में था, सेकेंडरी ओसाइट स्टेज में था, तो जब ये स्पर्म एंटर करता है उस टाइम सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट कंप्लीट हो जाती है और सेकेंडरी ओसाइट चेंज हो जाता है ओवम में और सेकेंड पोलर बॉडी में। फिर स्पर्म ओवा से फ्यूज कर जाता है और बना लेता है जाइगोट। ठीक है, जितने भी हैप्लॉयड गैमीट प्रोड्यूस होंगे फीमेल में, हैप्लॉयड गैमीट प्रोड्यूस होंगे उसमें दोनों में क्या होगा, 22 क्रोमोसोम्स होंगे और एक एक्स क्रोमोसोम होगा। ठीक है, 22 क्रोमोसोम्स होंगे और एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा, जबकि मेल में जो होंगे वो 22 क्रोमोसोम्स होंगे गैमेट्स में और एक्स क्रोमोसोम किसी में होगा और किसी में वाई क्रोमोसोम्स होंगे। सो सेक्स ऑफ द बेबी दैट इज डिटरमाइंड बाय फादर एंड नॉट बाय द मदर। ओके, ये पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। सो फर्टिलाइजेशन में ये हो गया। इम्प्लांटेशन, जाइगोट एंड इस्थमस एम्पुला जंक्शन, यहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद इसमें क्लीवेज होगा, क्लीवेज के बाद 8 to 16 मॉर्युला स्टेज, दिस स्टेज इज नोन एज मॉर्युला स्टेज। ये जाइगोट बना, ये फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद इसमें क्लीवेज होगा, क्लीवेज के बाद बहुत सारी सेल्स बनेंगी। इन सेल्स में 8 टू 16 ब्लास्टोमियर्स वाली जो स्टेज होगी इसको कहते हैं मॉर्युला स्टेज। मॉर्युला स्टेज
फिर ये बनाती है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में क्या होती है, कुछ सेल्स एक किनारे पे आ जाती हैं और बीच में कैविटी का फॉर्मेशन होता है जिसे कहते हैं ब्लास्टोसील। इसको क्या कहते हैं, जो कैविटी होती है इसको कहते हैं ब्लास्टोसील, और इस स्टेज को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट में दो तरह की सेल्स देखिए, येल्लो से दिखाया गया है और बाहर वाली ग्रे कलर से दिखाया गया है। जो ग्रे कलर वाली सेल्स हैं इनको कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, और अंदर जो ये वाली सेल्स हैं ये क्या है, सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट क्या करेंगी, ट्रोफोब्लास्ट जो है ये एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, एंड्रोमेट्रियम से अटैच होंगी और इम्प्लांटेशन करेंगी, और जो सेल मास है ये इम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। सेल मास में डिफ्रेंसिएशन होगा और ये इम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। जब ये अटैचमेंट हो जाता है बाय द ट्रोफोब्लास्ट, तो जो यूट्रस की लाइनिंग है इसमें रैपिड डिवीजन होते हैं और ये पूरे ब्लास्टोस आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ये अपीयर होते हैं फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो बाहर वाली लेयर है उससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इनको कहा जाता है कोरियोनिक विलाई, इन्हें कहते हैं कोरियोनिक विलाई। ये कोरियोनिक विलाई ये यूटराइन टिश्यू के अंदर ये इंटर डिजिटेट हो जाते हैं और ये बनाते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, दिस प्लेसेंटा दैट फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो। ये प्लेसेंटा से ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और जो एम्ब्रियो का कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा ये प्लेसेंटा से जाएगा। Placenta is attached to the fetus with a cord which is known as umbilical cord which helps in the transport. Placenta se jo hormone, placenta is also an endocrine tissue. So they releases several hormones also, that is human chorionic gonadotropin hormone, human placental lactogen hormone, estrogen, progesterone hormone. These are released by the placenta after formation of placenta. This hormone may be the human chorionic gonadotropin hormone. This the pregnancy test that is done by ELISA method and due to the presence of this gonadotropin hormone. ठीक है, human chorionic gonadotropin hormone का ही test किया जाता है in the urine for the test of pregnancy. Several other hormones that their release is also several times increased during pregnancy. Those hormones are cortisol, prolactin, thyroxine. Their release is also increased several folds. In hormone ki zarurat kya hai, in hormone ki zarurat isliye hai because they support the fetal growth and the changes in mother and maintain the pregnancy. So for this these hormones are important. In the later phase of pregnancy, the relaxin hormone that is also released by the ovary. Okay. Embryo, this embryo जो होता है that is covered by an extra membrane. दो membrane important है, that is amnion, और बाहर वाली membrane है that is chorion. एमनियन मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, वो पतली होती है दैट इज थिन एंड विच कंटेन्स द फ्लूइड, दिस इज फ्लूइड विच इज नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड। दिस एमनियन दैट इज प्रेजेंट रेप्टाइल्स में प्रेजेंट है, बर्ड्स में प्रेजेंट है और मैमल्स में प्रेजेंट है, लेकिन ये एमनियन लेयर जो होती है ये एम्फीबियंस और फिश में ये एबसेंट होती है। ये एमनियन और कोरियन लेयर जो है This reduces the risk of injuries. ठीक है, ये embryo को protect करती है। Amnion filled होती है amniotic fluid से, जिसमें कि embryo suspended रहता है, और chorion जो है ये बाहर की extra दूसरी protective layer बनाती है। Amniocentesis, amniocentesis में क्या होता है कि syringe से इस amniotic fluid को निकाला जाता है, और कुछ अगर कोई टेस्ट करना होता है जैसे कोई जेनाइटल
क्योंकि इस एमनियोटिक फ्लूइड में फीटल सेल्स होते हैं, जो फीटल के सेल्स होते हैं ये भी एमनियोटिक फ्लूइड में होते हैं, तो इस एमनियोटिक फ्लूइड को सिरिंज से निकालते हैं, जिस प्रोसेस को कहते हैं एमनियोसेंटेसिस, और इसके बाद इस फ्लूइड का टेस्ट करते हैं कि बेबी में या फीटस में कोई जेनाइटल डिजीज तो नहीं है, जेनेटिक डिजीज तो नहीं है, ठीक है, इसके लिए ये किया जाता है। बहुत से केसेस में एमनियोटिक फ्लूइड जो है इसको यूज किया जाता है फॉर द टेस्टिंग द जेंडर ऑल्सो, बट दैट इज लीगली बैंड। डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डिफरेंशिएट होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म में। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो लेयर होगी दैट इज नोन एज मीजोडर्म। दीज थ्री लेयर्स एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, ये सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट आपने पढ़ा, इनर सेल मास में जो सेल्स होती हैं वो कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टेम सेल्स, और इन स्टेम सेल्स की पोटेंसी होती है कि वो किसी भी, क्योंकि ये जो इनर सेल मास है इसी में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है जिससे कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इनर सेल मास बिफोर डिफरेंशिएशन स्टेज उन सेल्स को कहते हैं हम स्टेम सेल्स। आजकल स्टेम सेल्स थेरेपी बहुत की जा रही है, स्टेम सेल्स थेरेपी की मदद से हम जैसे कोई भी ऑर्गन का हमें फॉर्मेशन करना है, जैसे कहते हैं इन विट्रो फॉर्मेशन ऑफ कोई भी ऑर्गन करते हैं वो हम स्टेम सेल्स ही कहते हैं, क्योंकि बिकॉज स्टेम सेल्स आर टोटिपोटेंट सेल्स, दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। इन अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके लैब्स में हम स्पेसिफिक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये स्टेम सेल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम बहुत से लैब्स में इन स्टेम सेल्स को कल्चर कर लिया जाता है, जिसका एक हाई कॉस्ट कस्टमर को देना होता है, क्यों फ्यूचर में अगर उस बेबी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस स्टेम सेल्स की मदद से उसकी फर्दर डिजीज को या ऑर्गन फेलियर है तो कोई उसको फिर से उस ऑर्गन्स को बनाया जा सकता है, ठीक है। ह्यूमन प्रेगनेंसी दैट लास्ट फॉर 9 मंथ, दिस पीरियड इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड मीन्स फर्टिलाइजेशन, द पीरियड बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड पार्ट्यूरेशन दैट इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड। अलग अलग एनिमल्स में गेस्टेशन पीरियड डिफरेंट होता है, जैसे काउज में 10 मंथ्स होता है, ह्यूमन बींग दैट इज 9 मंथ्स। फर्स्ट मंथ द हार्ट डेवलप, द फर्स्ट ऑर्गन दैट इज डेवलप दैट इज हार्ट। सेकेंड मंथ लिम्स एंड डिजिट्स आर डेवलप। थर्ड मंथ मेजर ऑर्गन्स फर्दर द लिम The development is complete. External genital organs are complete. Fifth month, movement starts. Head, hairs, head पे hairs का formation हो जाता है. Sixth month, body is covered with fine hair, skin, eyelashes, eyelids, इनका formation. Parturition बताया. That is the delivery of the fetus. That is known as parturition. This causes due to vigorous contraction of uterus. Parturition ये एक non-endocrine mechanism है, ठीक है? Parturition that is a complex non-neuroendocrine mechanism. Fully developed fetus or placenta ये induce करता है uterine contraction को. Uterine contraction ये रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, इसलिए इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम क्या कहते हैं, बर्थ हार्मोन दैट इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन की वजह से व्हेन ऑक्सीटोसिन वंस इट इज रिलीज दिस कॉजेस स्ट्रॉन्ग यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, ओके। This strong uterine contraction further stimulate the release of oxytocin from pituitary gland. The mammary gland in the female that undergo differentiation during pregnancy and this starts producing milk at the end of pregnancy and this is known as lactation.
द मिल्क विच इज प्रोड्यूस इन द इनिशियल डेज दैट इज नोन एज कोलेस्ट्रम. कोलेस्ट्रम पता है दैट इज रिच इन एंटीबॉडीज. सो इट इज हाईली रिकमेंडेड फॉर द चाइल्ड टू हैव फीडिंग इन द इनिशियल फ्यू वीक्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. ठीक है, ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जो आप छोड़ सकते हो या स्किप कर सकते हो. सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा और इस लेक्चर को 2-3 बार आप देख लें तो आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा. ठीक है, फिर से मैं